नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको मुंबई ब्लास्ट का दोषी याकूब मेनन याद होगा, जरूर याद होगा। मुंबई में 12 मार्च 1993 में भीड़ भरी जगहों पे ब्लास्ट में लगभग 257 लोग मारे गए थे, 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कि 28 मंजिला इमारत की बेसमेंट में भी ब्लास्ट हुआ था, वहाँ 50 लोग मारे गए थे। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और उसके बाद नागपुर जेल में याकूब को फांसी दे दी जाती है। लेकिन आज ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे आप लाइक कीजिएगा। तो मैं बात कर रही थी याकूब मेनन की। मुंबई ब्लास्ट के दोषी रहे याकूब मेनन की कब्र को लेकर के महाराष्ट्र के अंदर एक सियासी जंग शुरू हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि उद्धव सरकार के कार्यकाल में कब्र के चारों ओर LED की लाइट्स लगाई गई और भाजपा के नेता राम कदम ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें जारी कर दी हैं। हालांकि राम कदम के सवाल उठाए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने वहां से LED हटवा दी है। राम कदम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख करके ये कहा, गुनहगार याकूब की कब्र को क्यों सजाया गया? यो शख्स सैकड़ों लोगों की मौत का गुनहगार है, जिम्मेदार है, उसकी कब्र को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? याकूब 1993 बम ब्लास्ट के दोषी रहे हैं और उसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी सुनाई थी। अब देखिए इस पे किस तरीके से एक तरह से कही कि ट्विटर वार चल रही है आजकल। किसी को लड़ाई झगड़ा करना होता है तो उसके लिए एक दूसरा फ्रंट है, वो फ्रंट है हमारा सोशल मीडिया। उस पे अपनी बात कह दीजिए और उसके बाद फिर देखिए लड़ाई शुरू हो जाती है। कांग्रेस भी कहाँ पीछे हटने वाली है। कांग्रेस ने कहा कि याकूब की कब्र पर जारी विवाद के बीच जो ये सब चल रहा है सही है, क्योंकि फांसी देने के बाद आतंकियों के शव को उसके परिवार को नहीं दिया जाता। लेकिन 2015 में भाजपा सरकार ने याकूब के शव को उसके परिवार को सौंप दिया और अब भाजपा इसमें पॉलिटिक्स कर रही है। बात कुछ सही लगती है, इतने सालों के बाद इस कब्र को क्यों खोदा जा रहा है? लाइटें तो बहुत दिनों से लगी हुई थी, अब इस समय इस पे क्यों बात उठाई जा रही है? मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आमतौर पे किसी भी कब्र की खुदाई 18 महीने के बाद कर दी जाती है, लेकिन याकूब की कब्र की खुदाई 5 साल के बाद भी नहीं हुई है। याकूब की कब्र को लेकर के पहले भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। याकूब के चचेरे भाई मोहम्मद अब्दुल रऊफ मेनन ने 2020 में LT मार्ग पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। रऊफ ने आरोप लगाया था कि ट्रस्टियों ने कब्रिस्तान के याकूब मेनन की कब्र को 5 लाख में बेच दिया। अब देखिए आप लोगों के लिए ये भी एक नई बात होगी कि कब्र को क्यों बेच दिया। मैं आपको बता दूं कि 1993 में मुंबई ब्लास्ट का दोषी याकूब चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वह धमाकों की साजिश में शामिल था, यूं कहिए कि पूरा मास्टरमाइंड था। CBI चार्जशीट के मुताबिक याकूब दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन के आतंकी संगठन के फाइनेंस के काम देखता था। CBI ने 1994 में याकूब को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई, जिसके बाद 2015 में नागपुर जेल में याकूब को फांसी दे दी जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 मार्च 1993 में काफ़ी भीड़ भरे इलाके में 12 जगहों पर ब्लास्ट हुए, जिसमें टोटल जो मरने वाले लोग थे उनकी संख्या थी 297 और घायलों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी, 700 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 18वीं
28वीं मंजिल पे भी ब्लास्ट हुआ था जिसमें 500 लोग मारे गए थे। तो दोस्तों आज इतने दिनों के बाद गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, ये बात काफी पुरानी हो गई है, लेकिन अब इस पे सियासी जंग शुरू हो गई है। चुनाव बहुत पास में है तो क्या जिंदा क्या मुर्दा, हर चीज़ पे राजनीति शुरू हो गई है। तो महाराष्ट्र में इसको लेकर के सियासी जंग शुरू हो गई है। भाजपा ने यह आरोप लगा दिया है कि उद्धव ठाकरे ने कब्र के चारों ओर मार्बल और एलईडी की लाइट्स लगा दी है, इसके फोटो भी जारी किए हैं। अब जब ये विवाद शुरू हुआ तो वहाँ से एलईडी लाइट्स हटा दी गई है, लेकिन उससे पहले कब्र काफ़ी चमचमा रही थी। तो दोस्तों ये थी आज की खबर, याकूब मेनन की खबर। आपको कंटेंट कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।